मित्रों, पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री जी का आज सांसदों को बहुत ही प्रभावी और सामयिक विषयों पर बड़ी गंभीर टिप्पणी हुई है, तो ऐसा विचार बना कि पार्टी की ओर से भी आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहिए, इसीलिए माननीय अनिल बलून जी और हम आपके सामने आए हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की यह अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है, 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है, आज जो तथाकथित इंडिया गठबंधन, जिसे हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, उसकी बैठक है, उसका उद्देश्य है नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना, और हम जो यहां बैठे हैं उनका उद्देश्य है भारत का भविष्य उज्जवल करना। ये सोच का अंतर है और जनता उसको देखती है, और प्रधानमंत्री जी ने बहुत विशेष रूप से इस बात को कहा कि पिछले 10 साल में मैं जिस दिन भी मंगल को दिल्ली में रहा हूं मैंने एक बैठक भी छोड़ी नहीं है, उसको बकायदे अटेंड करता हूं। और बहुत ही भावुक तरीके से उन्होंने कहा, मेरे कार्यकर्ता का भाव जिंदा है, उससे मन को बहुत संतोष मिलता है कि जिस संगठन के विस्तार में पीढ़ियों ने अपना जीवन खपाया वो परंपरा चलनी चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, जो वर्तमान संसद में हुआ इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है, कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है, और उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो नौजवान बच्चे लोगों ने कुछ किया उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिफाई करना, ये तो और भी चिंताजनक है लोकतंत्र में। हाउ कैन एनी पार्टी बिलीविंग इन डेमोक्रेसी कैन सीक टू कोवर्टली और ओवर्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जस्टिफाई व्हाट हैपेंड इन द पार्लियामेंट। उसकी जांच हो रही है, उसकी होनी चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे। उनकी संख्या और छोटी होने वाली है, इसलिए उनका पूरा व्यवहार आचरण भी उसी प्रकार का है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात को बहुत विशेष रूप से कहा कि हम अपना वाणी संयम रखें, हम लोकतांत्रिक मान्यताओं पर चलें, और लोकतांत्रिक आचरण के अनुसार जो हमसे अपेक्षा की जाती है उसको पूरा करें, बिल पर अपनी बात रखें, चर्चा करें। एक बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत भावुक बात बताई कि अभी वो गए थे काशी में, तो विकास यात्रा में उन्होंने स्वयं देखा इसे क्या बदलाव हो रहा है, और किस तरह से नौजवान बच्चे बच्चियां अपेक्षा कर रहे हैं ये भी देखा उन्होंने। एक जो उन्होंने बड़ी बात कही वो ये कही कि काशी तमिल समागम में उन्होंने पहली बार अपने भाषण में AI का प्रयोग किया, और जो तमिलनाडु से लोग आए थे वो उनके भाषण को साइमल्टेनियसली सुन रहे थे तमिल में। तो ये एक नई सोच है, इसका आगे प्रयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा छुट्टियों का समय आने वाला है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सीमांत गांव पे जाइए और देखिए वो कैसे टूरिस्ट हब बन रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के ढोरा गांव की चर्चा की, क्षमा करें, जो सरहद के पास है पाकिस्तान के पास, और उस गांव को ग्लोबल टूरिज्म का बेस्ट अवार्ड मिला। तो ऐसे गांव में जाना और प्रोत्साहित करना,
पार्टी की ओर से मैं यही कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। एक तरफ निराशा है, हताशा है, अवरोध है, एक तरफ आशा है, विकास है और हिम्मत से काम करने का जज्बा है, ये स्पष्ट लगा। तो हम सभी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का बहुत अभिनंदन करते हैं, उन्होंने जिस तरह का मार्गदर्शन किया। और एक अंतिम बात जो उन्होंने कही कि जो 18 साल के पहले वोटर बनेंगे वो 10 साल से हमें ही देख रहे हैं, विकास, इंडिया का दुनिया में चमकता हुआ व्यक्तित्व, उनको अतीत की जानकारी नहीं है। तो हम लोग इस बात की चिंता करें कि नए वोटर्स को जब वोटर्स डे का कार्यक्रम होगा तो अतीत में इस देश में क्या क्या हुआ और अभी क्या बदलाव हुआ है ये बताने की जरूरत है। धन्यवाद। कोई सवाल अगर आप लोग लेना चाहते हैं कोई? सर, विपक्ष का प्रदर्शन आपके पीछे ठीक चल रहा है, जब आप ये बात कर रहे हैं। अब ऐसा है कि वो कर रहे हैं तो सबके सामने है। अरे इतने बड़े हार के बाद थोड़ा तो अंदर सोचना चाहिए कि क्यों हार गए। इसे हार नहीं कहते हैं, इसे जनता के द्वारा पिटाई कहते हैं। इसके बावजूद तो कुछ तो चाल चलन में बदलाव होना चाहिए। अब ठीक है वो करते हैं तो जिस जगह पर हैं आप देख रहे हैं, 24 के बाद और सिकुड़ जाएंगे। लेट दिस टेम्पररी कॉम्बिनेशन सर्वाइव टेम्पोरली, आई नो दे विल नॉट ग्लू फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बड़े मिशन को लेकर वो आगाज कर रही है, इशारा कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम चर्चा हो रहा है। देखिए चर्चा तो बहुत दिन से चलती है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ममता जी स्वयं नहीं चाहती है, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे को बनाने का नहीं आगाज होता है, और दक्षिण भारत से भी तो किसी को आगे बढ़ाने की बात होती है। तो नीतीश बाबू तो परमानेंटली चलते हैं चर्चा में। सवाल चर्चा का नहीं है, सवाल है समझदारी का, भारत के विकास के एजेंडा का और जनता के स्नेह और विश्वास का, वो सबके साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।